नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं द एएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरकारी नौकरी के नाम पर होने वाले फ्रॉड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसे इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उस हिंदुस्तानी भाई तक पहुंच सके जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी के पीछे होने वाले फ्रॉड के बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कशन करके बताएंगे। तो दोस्तों, ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरे भाई के साथ हुआ। मेरा भाई ने पोस्ट ऑफिस की जॉब के लिए कुछ दिन पहले अभी अप्लाई किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया था। उसके बाद अभी 1 जून 2020 को करीब 10 बजे उसके पास एक कॉल आता है। बोलते हैं, वो अपना एड्रेस बताता है कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मेरिट डिपार्टमेंट से। मैं आपकी मेरिट लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, मैं आपकी फ़ाइल क्वालिफाइड करके आगे बढ़ा दूँगा, बट उसके लिए अभी आपको 20,000 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। और अगर आप 20,000 ये चार्ज देंगे तो आपका आगे जो सिलेक्शन है हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद आपको 30,000 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपका 50,000 रुपये का खर्चा है। तो इस पर मेरे भाई ने बताया, अपने भाई ने बोला कि अभी हम इस पर फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम अपने घर पर डिस्कशन करने के बाद ही इस पर कुछ बता पाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप अपने घर पर बात कर लीजिए, जैसी व्यवस्था हो आप मुझे आज दोपहर 12 बजे तक इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके बता दीजिए। इसके बाद दोस्तों, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके ये जानकारी दी और उनका नंबर भी हमारे साथ शेयर किया। हमने कई बार उनका नंबर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, कॉल तो गई बट उन्होंने मेरी कॉल को पिक नहीं किया। फिर मैंने ये बात अपने भाई को बताई तो 12 बजे का लगभग समय हो ही रहा था, फिर उसने अपने नंबर से कॉल करी और कॉल करने के बाद मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेकर उनसे बात कराई। आगे हमारी बातचीत उस फ्रॉड कॉलर से कैसे हुई, क्या हुई, आप सुनिए इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, पोस्टल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? हाँ, पोस्टल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपकी बात अभी तक जो हमारे भाई से चल रही थी, हाँ है ना, तो हम इनके भैया बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आदमी जानते हैं पैसा देगा तो आदमी थोड़ी जानकारी चाहेगा। अच्छा, मयूर निवास, मैरिड लिस्ट बनता है, एड्रेस बताइए पूरा आप अपना। GPO हेड ब्रांच गोल्ड डाक खाना, सांसद मार्ग दिल्ली। अच्छा, आपका वहाँ पर रोल क्या है? यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं, EDC से, डाटा बिलिंग ऑपरेटर हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, अभी जैसे आपके भाई से बात चल रही थी, क्या है, अब बताइए मैटर क्या है पूरा मुझे, फिर हम लोग इसको कुछ विचार करते हैं। देखिए, मुझे जिन्होंने GDS का फॉर्म लाया है, बाकी डिटेल्स हम उनको मिला ही दिए हैं, उनका जो भी डिटेल्स है मैच कर लिए हैं, और उनका से मई लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसमें नॉट क्वालिफाई आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें चाहते हैं तो यहाँ से मैनेज करके उनका, देखिए इसमें एग्जाम इंटरव्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैनेज करके उनका क्वालिफाई कर दी जाएगी। अच्छा। और आगे उनकी ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसमें टोटल खर्च 50,000 रुपये आएगा। 50,000? हाँ, अभी तो आप मुझसे कुछ और बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? आपको 20-20 बता रहे थे, 50 तो पहुंच गया। टोटल 50 है, टोटल खर्च 50 है। अच्छा, फिर इसमें से 20 पहले करना है। अच्छा, 20 पहले करना है, 30 कब करना है? हाँ, 20 क्लियर, यहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, बाकी का सिलेक्शन होने के बाद यहाँ से यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा, और आधे से एक घंटे के अंदर आपका इंडियन GDS विभाग से
ठीक है, डिपार्टमेंट से इंडियन जेडीएस डिपार्टमेंट से आपका सिलेक्शन मैसेज क्वालिफाई मैसेज देना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी का पेमेंट आपको ज्वाइन करना है। नहीं तो पेमेंट किसको करना है, हमें आपको करना है या पोस्टल डिपार्टमेंट को करना है? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मेरे अकाउंट नंबर पेमेंट करना है। आपके अकाउंट नंबर? पोस्टल डिपार्टमेंट में आपको पेमेंट लगता है, ये तो महीने करने का खर्च लिया जाएगा। नहीं तो मतलब क्या कुछ ऐसा नहीं कि पोस्टल डिपार्टमेंट पैसा ले रहा है क्या ये? नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट वो थोड़ी जा रहे, तो मैनेज करने का खर्च आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैनेज में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका नहीं तो आप सुनिए, आप पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं, आप पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको आपके पास ये प्रोसेसिंग के लिए फाइल आई, ठीक। अब आप इसको आगे, अब इसको डिस्क्वालीफाई करके आप आगे मतलब रिजेक्ट करके भेज देंगे, ठीक। अगर हम आपके रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी जो कंडीशंस है उसको फॉलो करेंगे, तो आप इसको एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे, ओके। है ना, ऐसा है कुछ? तो इसके बाद क्या है कि आगे सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या फिर उसमें भी आगे रिस्क रहता है? नहीं, आगे कोई रिस्क नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं। अच्छा, मतलब पैसा आपको देना है डायरेक्ट या पोस्टल डिपार्टमेंट को नहीं देना है? नहीं, पैसा हमको देना है। तो ये आपका पूरा मतलब सीक्रेट, कोई पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ टाई अप है, कोई काम कर रहे हैं, या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट को भी पता है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं? सुनिए, इसमें क्या होता है, आपको इतना पता होना चाहिए ना, हाँ। सरकारी जॉब में सेटिंग होता है, होता अच्छा, अच्छा सरकारी जॉब में सेटिंग होता है, देखिए आप जैसे आप अगर बीच में कोई मान के चलिए हम मीडिएटर हैं, तो आप वहाँ के एम्प्लॉय तो होंगे नहीं? नहीं, यहाँ एम्प्लॉय है, यहाँ हम जॉब करते हैं। वहाँ एम्प्लॉय है और ये भी काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं? हाँ, अरे बात क्या बताओ, जो सेटर है मीडिएटर है वो भी तो हम लोग से काम करवा रहे हैं, वो सिस्टम काम कर रहे। देखिए जो बीच में मान के चलिए कोई बीच में अगर कोई कमीशन खोरी कर रहा है, ब्रोकरेज कर रहा है, तो वो बीच का बाहर का बंदा होगा? बीच में जो रहता है, जो सेटर जिसको बोलते हैं, सेटर द्वारा काम होता है, जिसमें 2 लाख से 2.5 लाख रुपए चार्ज लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट हम विभाग सेक्टर है, इसीलिए आपका 50,000 हो जा रहा है। अच्छा, तो आपके पास अगर जो डेटा है क्या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं कि जो इनका हमें पता चले कि ये पता चले कि ये डेटा फाइल आपके पास है ना? यहाँ पे जो मेरिट विभाग होता है ना, वहाँ पे किसी भी स्टाफ को, किसी भी ऑफिसर यहाँ पे स्मार्ट फोन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जब तक मेरा काम चलता है, जब तक हम लोग को स्मार्टफोन ऑफिस में अलाउ होता ही नहीं, कोई भी यहाँ पे जो कर्मचारी ऑफिसर कोई भी स्मार्टफोन अलाउ नहीं करे, किसी सीधे अधिकारी के पास स्मार्टफोन अलाउ होता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप भी किसी अधिकारी के कहने पर काम कर रहे हैं ना? हाँ, सीनियर अधिकारी से हमें मेल रहता है, सब काम तो वही करेंगे, हमारा काम रहता है करवा। अच्छा अच्छा, सीनियर अधिकारी साहब है आपके, उनका क्या नाम है? जो सीनियर अधिकारी साहब है, जो आप जिनके कहने पर आप काम कर रहे हैं, वो नाम देखिए, ठीक है, वो हम बता नहीं है उसमें, तो बताइए ना भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो गौतम कुमार हुआ। गौतम कुमार, हाँ। और अपने आपके जो 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 सीनियर अधिकारी है जिनके कहने पे आप ये सब प्रोसीडिंग कर रहे हैं, वो कौन है? देखिए वो आप देखिए, अगर मैनेज करवाना चाहते हैं, ठीक है, आपको बता देंगे अभी तरीके से। नहीं भाई, देखिए कोई भी पैसा देगा तो जानकारी चाहेगा, उनका भी नाम आप मुझे बताइए, और उनका भी मतलब कौन से केबिन में बैठते हैं, जो आप एड्रेस बता रहे हैं वहाँ पर एड्रेस पर भी हम विजिट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा देंगे तो विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आगे मिलेंगे आप? हाँ बिल्कुल, पैसा हम कोई किसी ना किसी को, दिल्ली में हमारे इतने लोग हैं, किसी ना किसी को भेजेंगे वहाँ पे, जाएगा आपको हैंड टू हैंड हो सकता है कैसे ही दिला दें हम। हैंड टू हैंड ले लिया तो पहले बता दे, जो आपको पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे मेल लिस्ट बनता है, मेल किसी आने के अलावा नहीं होता, यहाँ पे हम किसी से मिलने का परमिशन हम लोग को नहीं होता। अच्छा, आपको किसी से मिलने का परमिशन नहीं होता, आपको आपको ये कॉलिंग करने का परमिशन होता है, आप कॉलिंग करके डेटा मतलब कनेक्ट करिए। कॉलिंग तो करते हैं जी, कॉलिंग तो ऑफिस में तो कॉलिंग तो करेंगे ना, बड़ी बात है। आप भी तो कुछ आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा सोचते हैं आप? अरे हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो ऐसे ही घूमते हैं। तुम आप घूमते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है, हम तो बार बार घूमते रहते हैं, ऐसे टहलते रहते हैं फ्री। अच्छा,
हम इस तरीके कोई जॉब नहीं करता है ना। तो आप बताइए आप कैसे, मतलब अकाउंट नंबर वगैरह जिससे पैसा डालना है वो अकाउंट नंबर वगैरह SMS या व्हाट्सएप करिए, और भी अगर कोई डिटेल हो सकती है आप उन्हें बॉस का अगर एक बार नाम बता देंगे तो हो सकता है, क्योंकि पोस्टल कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी जानकारी मिल जाए तो ये भी सेफ रहेगा, हमारा पैसा मतलब सेफ जगह जा रहा है, कोई आगे फंसने का चांस नहीं है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अरे भैया कैसे टेंशन ना ले, आपका आज नंबर सिर्फ है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर जिससे बात हो रही ये नंबर है, इससे मैंने कॉल दो बार किया आपने उठाया नहीं, भाई ने जब कॉल किया तो आप तब आपने उठाया और कॉन्फ्रेंस करके मुझे बात करा रहा है, तो आगे की तो संभावना तो है नहीं आप बात करोगे। आप देखिए जैसे मोबाइल रखा था टेबल पे रखा था, टेबल पे शायद आएगा क्या, उसने आपका भाई का कॉल आया था, मैंने रिसीव किया। अच्छा तो दो बार हमने गैप दे के कॉल किया ताकि आप उठाने का टाइम मिल जाए, ठीक है, मोबाइल वहाँ पे रखा था अभी अपने टेबल से साइड में थे दूसरे घर से। अच्छा बगल में सर, मतलब हम रेंडमली हम कॉल करके बीच बीच में चेक करेंगे आपका नंबर भी, ठीक है, आपका देखते कैसे कॉल पिक होता है, बाकी आप अपने उनका नंबर बताइए, सीनियर अधिकारी का नंबर बताइए, नंबर बताइए, कॉन्टेक्ट नंबर और नाम दोनों। सीनियर अधिकारी का नंबर नहीं मिलेगा भैया, सीनियर अधिकारी का नंबर नहीं मिलेगा तो नाम ही बता दीजिए, नाम ही काफी है हमारे लिए, नाम बता दें उसने क्या। अरे तो बताइए ना मेरे भाई, बताइए आप ही बताइए ना, तो अभी अभी किसी से बता दें आपको नाम, जवाब क्यों नाम बताने में क्या दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछे देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए तो आपको बताने में दिक्कत है। सुनिए ये डिपार्टमेंट है समझे, हर चीज आपको ऐसे ही। अरे भैया कौनो डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपको लगता है ना एक हम GPO ब्रांच आ जाइए तो आपका पेमेंट लेगा, वहाँ पेमेंट कीजिए आपका होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सॉरी, अरे अन्यथा हो पाएगा, देखिए पैसा है आपको एक बार बोल दिए ना, नहीं नाम बताएगा, नहीं नाम बताया जाएगा, अभी तो आप कह रहे थे कि बता देंगे नाम, तो बता ही देंगे नाम में क्या है, क्या बता दे रहे, अभी तो आप कह रहे थे कि नाम बताएंगे, किसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अरे वही जो फॉर्म अप्लाई किया, जो हाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, जो 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 जमा किए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा ऑनलाइन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए ताकि हम मैच कर लें चीजें। ओके जी, रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी हाँ, एक मिनट रुकिए, जी बोलिए, 3831 जी, 5G3F जी, 6H जी, 2E जी, 24 जी सर, और सर इसका एड्रेस भी तो होगा सर आपके पास ना हमारा, हाँ ये जो फॉर्म सबमिट किए होंगे, जो फॉर्म सबमिट किए हैं उसमें एड्रेस ID प्रूफ लगाए होंगे, हम क्या बोल रहे हैं, अभी क्वालिफायर नोट क्वालिफायर जब होता है ना तो अभी फाइल इतना आता है, ठीक है, बाकी का फाइल अलग सिस्टम पर, जो स्टूडेंट क्वालिफाई किया जाएगा फिर यहाँ से जब फाइल हम सबमिट करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिक वहाँ सिस्टम में सबमिट हो जाता है, पूरा फाइल अभी मेरे पास नहीं आता है। अच्छा अभी आपके पास पूरा फाइल नहीं, रजिस्ट्रेशन बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नाम डिटेल वगैरह आया है ना, डिटेल जितना आता है मुद्दा बताए, बाकी जब वो आपका या तो क्वालिफाई किया जाएगा तो वो फाइल ऑटोमेटिक सिस्टम में सबमिट हो जाता है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सर, ठीक है मुकेश ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनका मिला लो, अगर मिलता है, सही है तो रजिस्ट्रेशन नंबर इन लोगों को डेटा मिलता गया है, फर्जी लोगों को, फर्जी लोग हैं लग तो रहा है, आप नाम नहीं बता रहे हो बॉस को तो हम फर्जी बोलेंगे, मतलब फर्जी लोग हैं, ठीक है फर्जी भैया, अब फोन मत कीजिए, देखिए फोन है ना, देखो फोन तो करेंगे बेटा, फोन तो हम करेंगे, हम तुम्हारा जो एड्रेस बताया हो ना वहाँ तक पहुँचेंगे हमारे बंदे। सुनिए पहले तो आप सब नर बोलिए, ठीक है, अगर हम अजय से बोले तो आप अजय से बोलिए, हमने भी अस्पताल बोलने आप सब, हमने गाली तो दी नहीं बेटा, हमने गाली तो कोई दी नहीं, वही बोला हूँ आप फर्जी लोग बोल रहे हैं, ठीक है आपका भाई का भी हम नहीं में कर रहे थे, फिर आगे जो करना भैया, अगर देखिए अगर आप गवर्नमेंट के आदमी होके भी ऐसा काम कर रहे हो तब भी आप फर्जी काम ही तो कर रहे हो। अरे तो गवर्नमेंट, अच्छा बताओ गवर्नमेंट, तुम ऐसा बात करते हो, तुम्हारा कोई भी सरकारी काम करवाना कुछ भी करवाना बिना कुछ खर्च भी होता है
अच्छा मतलब आप कह रहे हो, मतलब आप आज के समय में आप सीधे कहना चाह रहे हो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के मोदी जी के समय में, योगी जी के समय में, सीएम केजरीवाल जो दिल्ली में बैठे हैं उनके समय में सब ये फर्जी काम ही होता है ना, आज के समय भी ये घूसखोरी चलती है। अरे भाई सुनो, योगी के समय में इतना घोटाला हो गया, अभी बीजेपी के समय में घोटाला नहीं होता। अच्छा मोदी, अच्छा राजनीति अलग है, फोन रखो नहीं, आपकी अगर देखिए आपकी अगर हिम्मत है तो एक बार अपने बॉस जो आपके अधिकारी हैं उनका नाम बताइए। सुनो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुनिए मेरा चैलेंज है आपको, अगर आपकी हिम्मत है तो एक बार आप अपने अधिकारी का नाम बताइए, और अगर और भी हिम्मत है तो आप उनका नंबर भी बता दीजिए। मैं अभी उनको कॉल करके ऐसे बोलता हूँ कि आप ऐसे ऐसे काम करा रहे हो, अच्छा आप उनका नाम और नंबर दोनों मुझे दीजिए, मैं मेरा चैलेंज है। क्या कर लोगे? अरे हम जो कर लेंगे वो देख लेना, अभी एक घंटे में देखना मैं क्या करता हूँ। तुम क्या कर लोगे मेरे भाई, तुम एक बार फोन पे उनका नाम और नंबर बोलो, आपकी कॉल पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो रही है और ये कॉल सीधे पता नहीं कहाँ कहाँ तक शेयर होगी, आप समझ नहीं पा रहे हो। देखा बस आ गई बदतमीजी, हम समझ रहे थे तो गाली दे रहे हो ना, पकड़ रहे हो ना, ये सारी गाली अभी देखना मैं क्या क्या सीधे जा रहे हैं, ये देखना कहाँ कहाँ जाते हैं बेटा, वही काट इज ना। तो फाइनली दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुनी और देखा कि हमारी कैसे बातचीत कॉलर के साथ होते होते, मैं तू से होते होते बात गाली गलौज तक पहुंच गई। दोस्तों यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है कि इन फ्रॉड कॉलर्स के पास हमारे नाम मोबाइल नंबर के साथ साथ हमने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ होता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये डेटा उन तक कैसे पहुँच जाता है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि जब मेरे भाई ने अपने एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा कंफर्मेशन के लिए, तो उसने एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी फ़ोन पर बताया जो कि मेरे भाई ने मैच किया तो प्रॉपर वो मैच कर रहा था, यानी कि वो ओरिजिनल सही रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो अब ये सवाल उठना लाजमी था कि ये जो इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन, इतनी तमाम इन्फॉर्मेशन इन फ्रॉड कॉलर्स के पास कैसे पहुंचती है। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो डिपार्टमेंट के साथ ही शेयर होता होगा, उसके बाद अगर ये वेबसाइट किसी एजेंसी ने बनाई है तो संभव है कि इसका डेटा एजेंसी के साथ भी शेयर हो। तो बेसिकली तीन चीज़ें ही सामने आती हैं जिनके माध्यम से किसी वेबसाइट का डेटा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेटा से एक तरीके से लीक हो सकता है। तो पहली बात ये हो सकती है कि हो सकता है कोई शख्स डिपार्टमेंट से ही हो जो इस तरह के डेटा को इन फ्रॉडर्स के साथ शेयर कर रहा हो। दूसरा यह कि अगर वेबसाइट किसी एजेंसी के थ्रू बनी है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वेबसाइट है, किसी जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, अगर वो किसी एजेंसी के थ्रू डेवलप करी गई है तो संभव है कि इसका जो डेटा है एजेंसी के साथ भी शेयर हो सकता है। तो इस मामले में जो डेटा है एक तरीके से एजेंसी के माध्यम से भी लीक होने के चांसेस बनते हैं। और तीसरे मामले में दोस्तों बात करेंगे तो ये एक तरीके से समझ लीजिए, अगर कोई हैकर किसी भी तरीके से किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट को हैक कर ले और हैक करने के बाद उसके डेटा को यूज करे या सेल आउट कर दे तो वो एक तीसरा मामला हो सकता है। लेकिन अभी तक पोस्टल डिपार्टमेंट के वेबसाइट के हैकिंग की जैसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इन फ्रॉड एक्टिविटीज़ के पीछे हमारी व्यवस्थाएं ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। और आखिर में एक बार हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, ताकि वो इस तरीके के स्कैम से बच सके। फाइनली दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं YouTube पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंतर्गत पब्लिश कर रहा हूँ
और इस वीडियो को चाहे तो आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपके कोई जानने वाले और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो आप उन्हें भी बोलकर, उन्हें भी शेयर करके बोल सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से दिखाएँ, या अपनी वेबसाइट के माध्यम से दिखाएँ, या यूट्यूब फेसबुक पेज के माध्यम से दिखाएँ। इस हमारा मेन मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारी हेल्प करें और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा, जितना भी पॉसिबल हो आपसे जोर लगा के इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि ये YouTube हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड वीडियो में शो कराए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।